आइए आज हम जानते हैं कि हम IVF में यानी टेस्ट बेबी करते समय अल्ट्रासाउंड की मदद कहाँ कहाँ पर लेते हैं। सबसे पहली बात, जब हम IVF के लिए जाते हैं तो हमें फीमेल के एग्स बहुत ज़्यादा बढ़ा कर लेने पड़ते हैं, तो उसे हम ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं। तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो इंजेक्शन शुरू करने से पहले जब फीमेल को पीरियड्स आ जाते हैं तो पीरियड्स के डे वन या डे टू पे हम सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि दोनों ओवरीज में कोई सिस्ट या कोई पानी की गांठ तो नहीं है। उसके बाद जब हम 5 से 6 दिन तक इंजेक्शंस देते हैं बीज बढ़ाने के लिए, तो 5वें या 6वें दिन हम इंजेक्शंस के फिर से बुलाते हैं कि वो बीज कितने बढ़ गए हैं, वो चेक किया जाता है फिर से अल्ट्रासाउंड से। वापस उसके बाद जैसे जैसे इंजेक्शंस के दिन बढ़ते जाते हैं, हम हर दूसरे या तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड पे बीजों की ग्रोथ चेक करते हैं। जब पिकअप के लिए पेशेंट रेडी हो जाती है, यानी ट्रिगर देने के बाद जब वो ओवम पिकअप करते हैं, तो ओवम पिकअप भी पूरी तरह से अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर 3 प्रोब्स होते हैं, जिसे हम एक वजाइनल प्रोब